भैया 3-4 दिन से आपके यहाँ पे आईटी की रेट चल रही थी, किस तरह 3-4 दिन है क्या? सबसे पहली बात तो ये जो कार्रवाई थी ये पूरी तरह से राजनीतिक थी, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में, बाकी प्रदेशों को तो नहीं जानता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी ट्राइबल लीडर के यहां छापा पड़ा हो, किसी मंत्री के यहां छापा पड़ा हो, मेरे संज्ञान में पहला है। और जिनके यहां ना कुछ मिला ना कुछ हासिल हुआ, जो चीज हम चुनावी घोषणा में अपने तरफ से शपथ देते हैं, बस उतना ही निकला है चल अचल संपत्ति, जी और जो राशि जब्त बता रहे हैं वो सब हमारे खाता से निकला हुआ है। कुल मिलाकर के लोगों का आवाज दबाने, लोगों के बीच डर पैदा करने, टेरर पैदा करने की कोशिश है। अभी माननीय राहुल गांधी जी का दौरा छत्तीसगढ़ होना है, रायगढ़ से लेकर के और चांपा, जांजगीर, कोरबा होते हुए सरगुजा, इसके बाद बलरामपुर होते हुए उनको उत्तर प्रदेश जाना है। जी इसको विफल करने के लिए, लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए लोगों ने इस प्रकार के कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैं जब तक राजनीति में रहूंगा लोगों का आवाज उठाते रहूंगा, और इस प्रकार के कार्रवाई से किसी को दबाया नहीं जा सकता है। हम लोग न डरेंगे न झुकेंगे। लग रहा है ये पूरा षड्यंत्र के हिसाब से ही किया गया है। 101% ये षड्यंत्र ही है पूरी तरह से। और अभी हाल ही में माननीय राहुल जी का दौरा है, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, ये सब में लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए इस प्रकार के कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हम देखे थे कि विधानसभा के पहले लगातार जो नेताओं के करीब थे, कांग्रेस लीडर्स के करीब थे, उनके यहाँ छापेमारी करवाई हुई थी, विधानसभा गुजरा, उसके बाद पूर्व मंत्री के यहाँ, आपके यहाँ आज कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है सरकार चेंज होने के बाद। वही तो मैं बोल रहा हूं, किसी मंत्री के यहां कार्रवाई हुई हो, वो भी जगजाहिर है कि ना कहीं कि कभी किसी काम रोका, ना किसी को परेशान किया, जो आया सबका काम किया। और मेरा विभाग में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ तो ऐसा था नहीं, संस्कृति विभाग था, नाचने गाने का था, धान चावल लोगों के यहाँ पीडीएस का वितरण का था का हमारे यहाँ ना किसी का स्वीकृति का था, ना बाकी काम अलाट करने का था। इसके बाद भी लोगों को हमारा काम खटक गया, इतना अच्छा घर घर तक राशन कार्ड में फोटो छपा हुआ था, लोग बहुत खुश होते थे। आज सब लोगों को इन लोगों ने दुखी कर दिया। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई किसी भी व्यक्ति को बदले की भावना से नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी ये हो सकते हैं। अभी समाचार पत्रों में आप ही लोग दिखा रहे हैं कई जगह कि लोकसभा चुनाव के में जीतने वाले प्रबल प्रत्याशी हो सकते हैं। मैंने तो ना कहीं आवेदन लगाया है, ना कोई मांग किया है। तो आप लोगों का जो समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो आ रहा है, उसी से डर करके और जो लोग हैं वो लोग इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिए हैं। कार्रवाई के दौरान कोई मिसबिहेव या किसी तरह के कुछ? नहीं, मिसबिहेव करने जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन 4 दीवारी के अंदर अगर 5 दिन तक किसी को बंद कर दिया जाए, बाहर निकलने नहीं दिया जाए, तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और कोई कांग्रेस से न जुड़े, कोई लोगों का आवाज न उठाए, आदिवासियों के जो प्रमुख नेता है उनको प्रताड़ित कर दो, बाकी सब लोग डर जाएं, इस प्रकार की कार्रवाई
करके लोगों में एक मैसेज देने का कोशिश है, लेकिन हम लोग इससे चुप होने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। जहां भी अधिकार की बात होगी, प्रदेश के हित की बात होगी, हम लोग मुखर होकर के उठाएंगे। हाल ही में अब जो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी गुजरने वाली है छत्तीसगढ़ से, इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसका असर इस पे पड़ेगा? देखिए, कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसको तो नहीं जानता, लेकिन लोगों को कोशिश तो है।